काम करें, हम ही काम करें। सीएम साहब शादी मुबारक लाए, कौन काम कर रहे हैं? हम ही काम कर रहे हैं। सीएम साहब फूड सिक्योरिटी कार्ड लाए, कौन काम कर रहे हैं? हम ही काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को हमेशा एक्टिव रहना है। बाज डिपार्टमेंट उनका उतना काम कर दे के टाइम होते पांच बजे जा सकते। आपके घर में शादी होती है, शादी से पहले आए तो काम आते, पैसे बाद में आए तो काम आते। तो फिर लेट कई पेंडिंग बात जगह पेंडिंग होते, थोड़े बात चीजों को इम्पोर्टेंस जरा ज्यादा दीजिए। ये टैबलेट इसलिए हम पूरे बीआरओ को टैबलेट दे रहे हैं ताकि हमको एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम आएगा, लाइन्स के बारे में हमारे सिटी में भी आएगा। जैसा अभी मैडम बोले कि हमको 9 करोड़ की जरूरत है, 3 करोड़ से 6 करोड़ होना है हमारे को स्टेंसिंग करने के लिए। तो डेफिनेट हम आप लोगों का वीडियो में पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, जहां भी इंक्रोचमेंट हो रहा बहुत हम सख्ती से निपटना जरूरी है। इस वजह से निजाम के जमाने में बहुत लाइन से, अब लाइन खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो गए, आगे गवर्नमेंट के लिए लाइन की जरूरत है। तो हम जितना उस लाइन की हिफाजत करेंगे हम उसको आगे के लिए हमारे डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो बचाना सिर्फ रेवेन्यू वालों का काम है। तो ये टैबलेट से आपको काफी सहूलत होगी, इसके लिए अगर जरूरत पड़ने पर हम ट्रेनिंग और भी देंगे। वैसे तो ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग दे चुके हैं और आज के जमाने में तो आप अपने बच्चे भी बहुत परफेक्ट हो चुके हैं, अपने से ज्यादा अपने बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं कॉलेज वो बहुत परफेक्ट है। उसके अलावा भी आप लोगों को ट्रेनिंग क्लास के लिए मैं बात करूंगा। आपको एक दो दिन तीन दिन सिटी वालों को तो करीबी हमारा तालीम, वहां पर जाकर आप लोग उसमें कुछ सीखना चाहते हैं तो सिखाएंगे। आप जहां पर भी जाते हैं इमीडिएट आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, कलेक्टर साहब को भी जा सकते हैं, इंचार्ज कलेक्टर को भी जा सकते हैं, जहां भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो हमारा हैदराबाद में लैंड बहुत कीमती हो चुकी है, हैदराबाद और रंगारेड्डी। और मेरे पास बहुत से लोग जो आते हैं ना, काम आप करें तो नहीं आते, काम नहीं करें तो मेरे पास आते। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे कई बार थोड़ा दुख भी होता है कि मुझे सीएम साहब इतना भरोसा करके एक रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए मेरे डिपार्टमेंट में। और हमारे पास, मैं क्या काम करता हूं आप सब जानते हैं, पहले हम जितना हाई लेवल करप्शन को क्रश करें। आज किसी आरडीओ को, किसी एमआरओ को दफ्तर का चक्कर काटना पड़ता अपने पैरवी करने के लिए। ऑटोमेटिक जहां भी मुखाराओं को ट्रांसफर होता, वो पहले का जमाना भी आप लोग देख चुके, आज का भी देख रहे हैं। हमको यही एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आपके पास पूरे गरीब लोग आते। एक बात है, रेवेन्यू वाले का बड़े लोगों से कम ताल्लुक रहता है ज्यादातर। सीएम साहब परसों प्लेनरी मीटिंग में बताए कि हमारे पास जो लैंड ओनर्स है 90% 92% वो 3 एकड़ पर। सीएम साहब बोले हम मुखालिफत करने से क्या फायदा, हमारे हाथ में तो आरबीआई नहीं है कि हम मुखालिफत करके उसको रोक सके। ठीक है, हम उसके साथ किस तरह हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे रिलीज करने की बात की, और रिलीज भी हमारे स्टेट में उतना प्रॉब्लम नहीं आया जितना दूसरे स्टेटों में चल रहा अभी तक भी, थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आया। और हमारे सीएम साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर जब साहब जब जो डिसीजन लिए, डेफिनेट हम सपोर्ट करके देखेंगे क्या करना है। अब हम मुखालिफत करके तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा वेस्ट बंगाल में मुखालिफत करें मगर क्या कर सके, आज तक वहां के लोग सफर कर रहे हैं। हम उनके साथ जिस तरह भी हो सका, और कैशलेस टोटल बनना एक बहुत मुश्किल का काम है। कुछ तो जैसा अपने फार्मर्स है, वो जब भी कोई काम करते हैं तो बोलते हैं भाई कुछ पैसे मिल गए तो हम जाते लेबर को देते। मेरा खुद भी फैमिली बिजनेस डेयरी फार्म का है, तो वहां पर बिहार से कुछ लोग आते हैं, रोज के रोज वेजेस लेते हैं, या रोज वेजेस ले सकते हो नहीं दे सकते, या मंथली सैलरी लेते हैं। तो वो थोड़ा बहुत लोग हम जरूर इसमें आना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में हम 99% लाने की कोशिश करना चाहिए, मगर जितना हो सकता हम पब्लिक की सेवा करना हमारे सीएम साहब का है। तो आज तो हम थोड़ा सेंट्रल से भी अच्छे रिलेशन बढ़ाते हुए, तो उसके बावजूद भी हमारे रिलेशन नहीं थे। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सर्वे करवाए इंडिया में कौन सा चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है नंबर वन, तो केसीआर साहब नंबर वन है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। मैं लास्ट 2 मंथ बिफोर मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर